अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेरल टॉप और आप देख रहे हैं सेहत का सफर ऐश के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रोजे के क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर और स्पिरिचुअल जो हमारी लाइफ है उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर योगी वजाहत की नजर में रोजा क्या है। तो यकीनन आप जान चुके होंगे कि आज हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगी वजाहत, जिनको आप कई चैनल्स पर हेल्थ शोज में और मॉर्निंग शोज में देखते आए हैं और हेल्थ और फिटनेस के फ्रीक जो हैं वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। योगा, फिटनेस, मेडिटेशन के अलावा ये बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज और ट्रेनिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज में ये मौजूद होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज इनकी आप देख रहे होते हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि रोजा हमारी लाइफ में किस तरह से बेनिफिट्स दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हमें बहुत अच्छा लगा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने आप। डॉक्टर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि रमजान का और क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रोजे के बाद हमारी जो बॉडी है इसमें क्या चेंजेस होते हैं, स्पेशली अगर हम हीलिंग की उसकी बात करें, हीलिंग की बात करें या ये बात करें कि मेंटली या फिजिकली या स्पिरिचुअली हमें किस तरह से ये बेनिफिट दे रहा होता है। देखिए, रमजान के रूहानी बेनिफिट पे तो अल्लाह सुभान अल्लाह ने खुद ही जिक्र फरमा दिया, तो मैं क्या उसको कहूँ। और ये शोभा भी उम्मा इकराम का है, लेकिन एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर जो मेरा मुशाहिदा है वो क्योंकि मर्ज और मरीज के साथ है, तो मैं ये देखता हूं कि रमजानों में जो अल्लाह सुभान ताला की हिकमत है वो जानते हैं, क्योंकि उसका फैसला भी उन्होंने करना है और ये इनाम भी वो है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसका क्या बदला मिलेगा ये तो मैं जानता हूं। तो मैं उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूंगा। देखिए, जब भी किसी चीज की ग्रोथ करनी होती है रब को, तो दो चीजें उसमें बड़ी आया होती है, बहुत लाजिम है। चाहे एक बीज ले लीजिए आप, एक तो है कि उसको ग्राउंड में कोई कोई बेस चाहिए। अगर वो ग्राउंड में जा रहा है, बीज अगर जमीन पर रखा हुआ है, आपने मेज पर रख दिया, तो वो फलेगा फूलेगा नहीं। फिर उसके बाद उसको पानी भी चाहिए। लेकिन पानी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम पौधों के साथ पानी को और खाद को जोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर धूप ना हो, गर्मी ना हो, तो वो कभी भी बीज से पौधा नहीं बनेगा। जमीन के अंदर जो हिद्दत है, अल्लाह सुभान ताला को जब मैं इन रोजे को देखता हूँ, अल्लाह की हिकमतों को समझता हूँ, जो मेरा मुशाहिदा छोटा था इतबार से, क्योंकि मैंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़े, चारों वेद पढ़े हैं, ग्रंथ साहब पढ़ी हुई है, बाइबल पढ़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का भी तालिबे हूं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं जब कुदरत को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि कुदरत तकलीफ तकलीफ के बाद ही करती है। वो तकलीफ नहीं होती, वो प्रोसीजर है। हम उसको तकलीफ कह रहे हैं अपने हिसाब से, यानी एक बीज फटेगा, टूटेगा, तो उसमें से पौधा निकलेगा ना। इसी तरह जब इंसान गुनाहों में आलूदा हो जाता है, तो अब उसको साफ करने के लिए उसको वॉश आउट तो करना है। तो जब जब नहाना होगा तो नहाना, ऐसा तो नहीं मैल को निकलने के लिए रगड़ना तो पड़ता है। तो ये जो श्याम है या सोम से जो निकला है, इसके माने रुक जाने के भी हैं और इसके माने जलाने के भी। तो ये हमारे गुनाहों को जला देता है, हमारी गलतियों को खत्म कर देता है जैसे वो नहीं थी। यदि हम कचरे को जला देते हैं तो वो कचरा बाद में समझ नहीं आता कि किस चीज का कचरा था, बस कचरा था वो हवाओं में उड़ जाता, पहले वो कचरा नहीं उड़ा था। तो रोजे को जो मैं देखता हूं, तो मैं उसको मेडिकल एंगल से देखूं तो ये बेहतरीन प्रोसीजर है जिससे इंसान अपनी आलूदगी को खत्म कर देता है। भूख प्यास नहीं है, बल्कि अगर हम इंफेक्शन को देखें तो बहुत सी हालतों में हम अपने मरीज को क्या ताकीद करते हैं कि आप फला फला चीजें मत खाएं, बल्कि फला फला चीजें खा लीजिएगा जिनमें बैक्टीरिया कम पैदा होगा। अब जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो बैक्टीरिया तो बेचारा पहले ही मर जाता है। और कितने, बल्कि मैं तो कहूंगा अफसोस की बात है, हालांकि बहुत बड़ी बात है कि अगर हम ये देखें कि नोबेल प्राइज मिल रहा है सिर्फ फास्टिंग पे, तो वो मिलता है जापान के एक खुश नसीब के नसीब में आता है, ये हमारे मुसलमानों के नसीब में क्यों नहीं है? जबकि ये तो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह जो भी है हमारे पास, कि हमने किस वक्त से किस वक्त तक नहीं खाना और दरमियान में भी कुछ नहीं खाना। लेकिन क्योंकि हमने उसको उस नुक्ते नजर से नहीं देखा, उस तरह से समझा नहीं, फॉलो नहीं किया। देखिए, उसके लिए होना तो ये चाहिए कि हम जिस जिस शोबे में हैं हम उस नुक्ते नजर से देखें। आप और मैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक
बहुत बड़ा इल्म जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा तोहफा है होम्योपैथी, हम उस पर बात कर रहे हैं, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। जब हम होम्योपैथी पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि होम्योपैथी इंसानी जिंदगी के बहुत करीब तरीन मामला को बहुत दिलचस्प अंदाज में हैंडल करता है, जबकि बाद जगह दूसरी पैथीज जो है वो उसको क्योरलेस या कहती है कि ये क्योरफुल नहीं है या ये क्योर नहीं हो सकते। तो जहां पे वो कहती है कि जी ना नॉन प्रोग्रेसिव है, नॉन क्योरेबल है, वहां होम्योपैथी माशाल्लाह ना सिर्फ दावा करता है बल्कि उसका इलाज करके भी दिखा देता है, चाहे वह बड़ी हुई हड्डी हो। क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक हूं तो मेरा तो काम ही बोन के साथ आता है इसके साथ। तो जहां रोजे का जब मेरे जहन में आता है तो मैं देखता हूं कि अल्लाह सुब्हान तआला का ये वो इनाम है जो बजाय तो लगता है कि हमें रोजे में गजा से रोका गया है, लेकिन असल में ये हमारे निजाम को रिचार्ज करने रीसेट करने का वो तरीका है जिसमें लगता कुछ भी नहीं। और गलती से अगर हम इसके बरक्स काम करें कि सहरी अफ्तार में इतना खा लें कि जो उसका मकसद है जो अल्लाह सुब्हान तआला जिस वजह से हमें, वो तो रहमतों का मालिक है, बरकतों का मालिक है, उसके खजानों का कोई शुमार नहीं, उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो कुछ बेनिफिट ढूंढे, बेनिफिट तो हमारे लिए थे जी। तो जब कमा हक का हु हम अमल करें रोजे पे तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर ये बहुत फकर से कह सकता है कि जो हमने पढ़ा वो होम्योपैथी में हम जो पढ़ते हैं रोजा को किस तरह इस्तेमाल करना है, मरीज को कैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना है, तो रोजे में हम देखते हैं कि वो खुद ब खुद इस तरह हो रहा होता है कि अल्लाह की नेमतें भी मिल रही होती हैं। और ऐसे अमराज जिनमें ऑटोइम्यून भी है, ऐसे अमराज भी हैं, ऐसे अमराज जो इन्फेक्टेड इन्फेक्शन के साथ हैं, वायरल हैं, वो तो बहुत तेजी के साथ सही हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम उस कमा कौ अमल नहीं करते जो रब अल्लाह सुब्हान तआला का अहकामात रब्बानी है, तो फिर हमें वो फायदे नहीं होते और हम यही कहते हैं कि जी रमजान में वजन बढ़ गया। तो मैं एक मिसाल आपको देता हूं बड़ी दिलचस्प। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला हर चीज की कहते हैं जकात है, माल की जकात है, अगर फेम किसी के पास है तो उसकी जकात है। उसकी जकात क्या होगी? फेम की जकात यह है कि अगर उसको कहीं इज्जत दी जाए, बुलाया जाए, तो वो ये ना कहे कि जी मैं फला जगह जाता हूं फला जगह नहीं जाता। उसको अपनी किसी ने इज्जत दी तो उसको वहां मौजूद होना है। ये चीज आए कि वो चैनल बहुत बड़ा है, वो चैनल है कि नहीं है, या वो पर्सनल है, नो वे। आपको अल्लाह ने इज्जत दी थी, किसी ने आपकी इज्जत और बढ़ाई और आपने उससे नफरत दिखाई कि जी पैसे देंगे जब ही आऊंगा, कितने गिफ्ट मिलेंगे तब आऊंगा, ये उसका जो शुक्राना आपको देना था वो छिन गया। और इसी तरह बहुत से लोग जो है वो वतो इज्जो मन दशा और फिर उसके बाद वतो जिल्लो मन दशा में चले जाते हैं। सो जब इंसानी जिस्म की बात होती है तो जिस्म की जकात क्या होगी? हम रोजे में जो जिस्म की जकात देते हैं उसका पैमाना यह है कि जब ईद आए तो आपके जिस्म में उतना ही वजन कम हो जाए 2.5%, तो आप समझ लें कि आपने रोजे से रखा। और अगर आपका 5% बढ़ गया, 10% वजन बढ़ गया, जो कि अक्सर लोग कहते हैं रोजे में भी माशाल्लाह वजन बढ़ जाता है, मैं खाता रुका नहीं जाता, तो फिर आपने रोजे नहीं रखे। एक लफ्ज है जो कि रमजान के साथ मुंसलिक बहुत होने लगा है, बड़ी तकलीफ देता है मुझे, हम फिर फेस्टिवल में आते हैं। त्यौहार कुछ और होता है और अल्लाह ताला के अहकामात की जो फरमाबरदारी है वो कुछ और चीज है। ये मेरे लिए त्यौहार नहीं है बल्कि ये मेरे लिए खुद एहतसाबी का एक वक्त होता है और मैं अपने घर में वो तमाम एहतमाम करने की कोशिश करता हूँ जो सहाबा इकराम और मेरे आका और आपके आका हम सबके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम आइमा इकराम के पास हुआ करते थे। तो उनके यहाँ तो फाके हुआ करते थे, हमारे तो एक दिन का जो जो अफ्तार का सामान है, यानी बड़ी तकलीफ में कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे और मैं आप लोगों से भी माफी मांगता हूँ, बट मेरे जज्बात हैं। तो एक दिन का एक इंसान का जो अफ्तारी का सामान होता है वो आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे महीने में भी शायद उतना अहतमाम नहीं होता होगा। अब मुझे बताइए फिर कहाँ पे हम खड़े हैं? हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह और रसूल की नहीं मानते, हमें अल्लाह ही की माननी है अल्लाह, लेकिन आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे आइडियल हैं, उन्हीं की पैरवी करनी थी। तो रोजा एक दफा फिर आता है कि अच्छा तुम 11 महीने तक नहीं मान सके, अब मानोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें खुशी है ये कहते हुए, इन महीनों में बहुत से ऐसे लोग जो नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज की तरफ रागिब हो जाते, जो अच्छे कामों से जरा मसरूफ हो गए थे जिंदगी में उनको एकदम एहसास होता है कि नहीं नहीं मुझे भलाई के काम करने हैं। और मैं
मेरा अपनी नुकता नजर है, लेकिन देखिए ना रोडों पे जब हम जाएं तो हम देखते हैं, एक तरफ तो वो देखते हैं जो अफरा तफरी है, लेकिन एक तरफ और भी देखते हैं वो नौजवान जिसके बारे में जनरली ये कहा जाता है कि ये तो किसी की नहीं सुनते, हम उनको अल्लाह की सुनते हुए देखते हैं, और वो जिस तरीके से लोगों के काम आ रहे होते हैं, जिस तरीके से अफ्तार बांट रहे होते हैं, हालांकि वो चाहें तो अपने घरों में बैठ सकते थे, ये है उसका जहनी इफेक्ट रोजे का कि वो बच्चे जिनके पास शायद अपने वालिदैन के लिए भी वक्त नहीं होता, ये शिकायत होती है, वो अफ्तार में आप देखिए रोजों पे कैसे निकाल लेते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इज ऑल आई से कि डायनेमिक्स ऑफ रोजा तो इतना तवील है कि उसको जिस एंगल से, अगर इंजीनियर बात करे तो इंजीनियर के हिसाब से, डॉक्टर बात करेगा डॉक्टर के हिसाब से, तो चाहते हैं कि हर एस्पेक्ट से हम बात करें इस पर, ताकि हर हर तबका जो है वो मोटिवेट हो, और जो लोग समझते हैं कि अब मेरे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ दिन मुझे रोजे छोड़ने पड़ेंगे, तो उनको भी मोटिवेशन मिले कि आप रोजों के साथ और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, और अपनी जिन दौर में हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, इवन जिस माहौल में इस वक्त आप में बैठे, ये कुछ लोगों के ख्वाबों की जिंदगी, अपनी गाड़ी में सफर करना, अपनी मर्जी से जो चाह जब खरीदना खरीद लिया, जो खाना चाह वो खा लिया, ये तो आइडियल जिंदगी है, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे ऑर्डर की आइडियल जिंदगी है। अब तो ऑर्डर कर दें चले, खुद ना खरीदें, पका हुआ आ जाता है। कुछ लोग हैं जिनको बचा हुआ भी नहीं मिलता। सो हम एक आइडियल जिंदगी गुजार रहे हैं। इस आइडियल जिंदगी में भी अगर कोई ये कहे कि मैं रोजे ना रखूं तो बड़ी तकलीफ की बात है। मैं सिर्फ माफी चाहता हूं, अल्लाह सुबहान तआला ने जो हुदूद मुकर्रर किए हैं उसके बाद खुद साख्ता हुदूद अल्लाह से वो जंग है, जिसके फैसले अगर ऊपर हमें होंगे अभी पता चल जाए तो हम अपना गला काट दें, फाके में रहें, लेकिन हम कभी रोजा ना छोड़ें। अच्छा, मजे की बात यह है, क्योंकि मैं माफी चाहता हूं, मैं तवील बात हो गई है, मेरे लिए रोजा कोई मुनफरिद नहीं है, क्योंकि मैं आम दिनों में सिर्फ जो सहरी है उसके करीब, अगर नाश्ते को आप मान लें ब्रेकफास्ट को, आम दिनों में मेरा नाश्ता 10 बजे से पहले पहले हो जाता है, 8 बजे 10 बजे हो जाता है, क्योंकि मेरी बहू है, मैं ये नहीं चाहता कि उसको मैं 6 बजे उठा के कहूंगा जी सुसर साहब का दिल करता है ये, मैं कहता हूं बेटा जब आपको सहूलत हो आप बना दें, मुझे नाश्ता दे दीजिए। अच्छा, मेरा नाश्ता बड़ा दिलचस्प होता है, फलों पे होता है, तो उसको उठना भी नहीं पड़ता, तभी तो वो जिद करके बेचारी चाय वाय बनाती है। मैं सिर्फ 4 फल लेता हूं, एक केला ले लिया, एक सेब ले लिया, अमरूद ले लिया, या किनुआ जो भी उस वक्त एक एक ले लिया, तो मुझे मिनरल विटामिंस मिल गए, उसका पूरे दिन में कुछ नहीं खाता मैं। आम दिनों में भी जो डिनर है मेरा वो मगरिब के वक्त है, लिहाजा जब रमजान आते हैं बहुत ज्यादा तो मुझे कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, सिवाय एक चीज बढ़ जाती है मेरे घर में, वो खजूर है, बस हमारे घर में सिर्फ खजूर आती है, रोजों में और कोई नई चीज नहीं आती। यानी सिंपल लाइफ, नो शरबत, नो लाल पीला नीला, नो फ्रूट्स, क्योंकि पूरी जिंदगी में पूरे महीने साल भर हम फल खाते हैं, हम बिल्कुल रोक देते हैं। मैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हूं, मैं कंज्यूमर के हकूक के लिए काम करता हूं, अगर मैं ही फल ना छोड़ूं तो वो गरीब आदमी कहां से फल खरीदेगा, तो डिमांड कम करने के लिए एक आदमी तो अवेलेबल है, वो मैं हूं, मेरा घर है, हमारे घर में फल नहीं आते पूरे रमजान। अगर कभी खाने को फल मिल जाए तो यकीन कीजिए मैं कहीं जाऊं और खाना पड़ जाए मुझे फल, तो मेरे मुंह में वही टेस्ट आता है जो किसी बहुत ही फाकाजदा आदमी को एक दफा खाने से मिलता है, क्योंकि मैं आदि नहीं हूं तरह फलों का, सिवाय उसके के जो सुबह खाता हूं, रमजानों में तो वो सुबह वाला भी खत्म, फल ही नहीं खाता, सिर्फ हमारे घर में खजूर आता है। मैं अपनी उस जिंदगी को जो रोजे किए वो अहले बैत अथहार सहाबा कराम के करीब तरीन रखने की कोशिश करता हूं, वहां से कभी कभी खजूर ही होता था या नमक होता था। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी ये काफी हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी जो हेल्थ है उसको बेहतर करने में, तो ऐसे कौन सी, यानी कौन सी डिजीजेस के आप नाम देना चाहेंगे जिसका जिक्र लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप समझते हैं बहुत कॉमन है? देखो बहन, बात यह है कि जब हम ऑटो इम्यून की जिक्र करते हैं तो उसको सादा तरीन अल्फाज में हम ये कहें कि जब हमारा ही जिस्म हमारे ही खिलाफ काम करने लगे, या अपने ही जब अपने पीछे पड़ जाए, तो दैट्स कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। कैंसर ले लीजिए, खवातीन के कई अमराज हैं जो ऑटो इम्यून है, बहुत सारे और भी बीमारियां हैं ऑटो इम्यून है। ये होती कब है? जब इंसान
इंसानी जिस्म के अंदर उसके अपने खलिए, वो जो रीप्रोग्रामिंग अल्लाह सुभान तआला ने की हुई है उसके बरक्स काम करने लगे, या रीफ्रेमिंग रीप्रोग्रामिंग जो डीएनए की हमारी कोटिंग है, क्योंकि हम डीएनए पे काम करते हैं, डीएनए जो हमारी स्कैनिंग है वो मेरा एरिया है, और इसीलिए हम जो है बायोलॉजिकल जो जो मार्कर्स हैं उन पे काम करते हैं, तो हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं और स्कैनिंग को पाकिस्तान में हम लेके चल रहे हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें किसी को कैंसर, शुगर, ये तमाम बीमारियां जो आगे चल के हो सकती हैं वो काफ़ी पहले की जा सकती हैं। और जिस तरह एआई ने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एआई ने बहुत सारे लोगों के लिए खतरात पैदा किए, तो मैं ये बड़ी बात बता दूं क्योंकि इस वक्त नौजवान 35 फीसद देख रहे हूँ कि आने वाले वक्तों में डॉक्टर्स खाए खा हुआ करेंगे, कभी कभी मिला करेंगे, डॉक्टरों का जमाना नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप बायोमार्कर्स डिटेक्ट कर लेंगे कि इस आदमी को अगले 12 साल के बाद कैंसर होने वाला है, तो जो इक्विपमेंट है, जो टेस्टिंग है, वो उसी वक्त आपको सॉल्ट को भी बता देगी कि अगर ये 12 साल तक खाते रहे तो 12 साल के बाद कैंसर नहीं होगा। तो आपने जब किसी का स्कैन किया, बायोमार्कर्स डिटेक्ट किया, तो उसी के नीचे उसके मेडिसिन भी आ गई। अब उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि वो जो सॉल्ट है वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे उसी वक्त से, वो उसी वक्त बता दे। तो ऑटो इम्यून डिजीज, क्योंकि मैं तो उसके वैद्य के बारे में क्या, ऑफ कोर्स मैं ये कह रहा हूं कई ऐसे अमराज हैं। अब इसमें अभी तक क्योंकि मेडिकल साइंस उसको अननोन कह के छोड़ देती है, मैं वैद्य भी हूं, आयुर्वेदा मेरा शोभा है, वैद्य बड़ा काम करता है, मैं खुद सीपी चाइल्ड पे काम करता हूं, तो सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो एक जुमला कॉमन है मेडिकल साइंस में कि नॉन प्रोग्रेसिव है और नॉन क्यूरेबल है, ना ये बड़ी बीमारी बढ़ेगी और ना ये ठीक होगी, ये बीमारी नहीं बढ़ेगी हम मानते हैं लेकिन ठीक नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम मान नहीं सकता, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया यार बीमारी का कोई ना कोई उसने इलाज रखा है, हमने वो अभी डिस्कवर नहीं किया, ये मेरी नालायकी है ना कि मैं इसको दावा बना दूं, तो मैं इस दावे से मैं पीछे आता हूं, लेकिन फकर से कहता हूं कि जो आयुर्वेदा है वो इसके इलाज पे काम करता है। सिर्फ सिंपल बात आपको बताता हूं, क्योंकि ये इसका ताल्लुक सेरिब्रम से होता है, हमारे दिमाग के उस हिस्से से जो तीन अफाल ज्यादा करता है, यानी देखना, चलना, ठीक है जी, और बोलना, ये तीनों बिगड़ जाते हैं उस बच्चे के, वो बोलता है तो आ करके बोलेगा, देखेगा तो उसकी निगाह इधर से उधर चली जाएगी, हाथ होगा तो इधर से इधर जा रहा होगा, ये तीनों वो काम करता है। मेडिकल साइंस कहती है कि क्योर नहीं हो सकता, क्यों, कि जब सेरेब्रम शिलिंग हो गया या डैमेज हो गया एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, ये क्या आ जाता है, क्योंकि इस पे अब बहस होने लगी है कि क्या ऑक्सीजन की कमी ही सिर्फ इसकी वजह है या अलग वजह, ये कई वजूहत है, कई वजूहत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन लेना माँ का। मैं इससे पहले कि मैं पूरी बात मुकम्मल करूँ, आप कह रहे थे कि हम फैमिलीज को ट्रेन करते हैं जिनके यहाँ सीपी चाइल्ड है, कि अगला बच्चा अगर आपको करना है तो आपको ये एहतियातें रखनी होंगी ताकि वो फिर रिस्क ना हो। तो इसमें हमें एक सिंपल मिसाल आपको देना चाह रहा था, जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा भी करते तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन है जिसमें मेडिसिन नहीं कोई इलाज करे, कालीपास वन ऑफ द बेस्ट टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, हम एल्जाइमर में करते हैं, हम मेमोरी लॉस में करते हैं और हम ब्रेन की ग्रोथ में करते हैं। तो होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो एक तरीके से उम्मीद का एक नया दिया है जो इन ऑटोइम्यून डिजीज में दिलाई जा सकती है और जलते हैं, और हमारे मुल्क में सिर्फ शहर में माहिरों की कमी नहीं, बड़े सीनियर डॉक्टर। तो क्या परसेंटेज आप देखने के सक्सेसफुल रेट क्या है, अगर कोई इस तरफ इस यानी होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट होना चाहता है, आना चाहता है इस ट्रीटमेंट के लिए, ऑटिज्म के लिए, बाकी दूसरे ऑटोइम्यून डिजीजेस के लिए, तो क्या लगता है कि कितने परसेंट जो है चांसेस होते हैं सक्सेस रेट, आप क्या समझते हैं? मैं सोचता हूं मैं इसको परसेंटेज नहीं दे सकता, ओके, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन पे और नॉलेज के तजुर्बे, तो ये तय तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो जो उम्मीदों के लिए बंद हो गए होम्योपैथी से, और मैं खुद
वो नौजवान जो इस वक्त देख रहे हैं, मेरी बेटियां और बेटे और मेरे दोस्त जो है, उनके लिए होम्योपैथी में जनरल प्रैक्टिशनर जीपी ने बनने की कोशिश करें, ठीक है, करते हैं, क्योंकि होते हैं हर चीज का इलाज जी। तो आप एक्सपर्ट हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नॉन। सो बिल्कुल आप काम करें कि होम्योपैथी में ना मुख्तलिफ शोबों में जाए, मसलन खवातीन के अमराज है उसमें मेरी बेटियां जाए, उसमें बड़ा काम है, कैंसर पे काम है, और हम यहाँ पे नादिर साहब के नाम से हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। इसी तरह इंडिया में होम्योपैथी में कार्डिक जो इमरजेंसी है उसमें काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो उसमें भी बहुत काम हो रहा है, न्यूट्रोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है, गैस्ट्रोलॉजी पे काम हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में जब किसी होम्योपैथी से मिले तो वो कहते हैं जी मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, फिर उनसे मुझे स्पेशली कहते हैं ना सारे देखता हूँ। अब आप कितना इस जहन में कितना मुताला करेंगे, कोशिश करें कि स्पेशलिटी की तरफ आए, अपने आप को स्पेशलाइज करें, स्पेशलाइज करने के लिए प्रॉपर एक प्रॉपर इदारा भी मौजूद होना चाहिए या फिर कोई सिस्टम ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए ना, वो तो आई थिंक हमें उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो फिर किस तरह से पॉसिबल है? दुनिया में जरूरत पहले पैदा होती है, हल उसके बाद। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हल पहले करते हैं बाद में पूछेंगे किसी को इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं हुआ। जब ये बच्चे बच्चियां ये मेरे साथी मेरे बैठी ढूंढेंगे दुनिया में कई इदारे हैं, मैं खुद एक इदारे का मेंबर बन रहा हूँ जो कि स्पेन में है, इंटरनेशनल इदारा है, अलहमदुल्ला मैं खुद एक बेलोफामी जो कंपनी है फार्मा की उसके लिए काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ऑफिशियली इसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी ज्वाइन करूँगा। तो देखिए जब जरूरत होती है तो कोई चीज ईजाद होती है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई चीज ईजाद हुई और जरूरत उसके बाद पैदा हुई। जब ये बच्चे उठेंगे कि हमें फला फला चीजें में हमें कार्डियोलॉजी में काम करना है, होम्योपैथी कार्डियोलॉजी में काम करना, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से हमें उसकी किताबें मिलेंगी और दुनिया में किताबें अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात जो आपने कही कैसे होगा, तो मैं इन बच्चों से कहूंगा कि जाती मुशाहिदात इसमें कोई शक नहीं, उस्ताद की रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं बदलें चेंज हो रही है, स्कूलिंग भी हो रही है, अब वहां उस्ताद वो नहीं है जो फिजिकल बैठा हुआ है, इसी तरह उस्ताद रहेगा, लेकिन उस्ताद में कोई किताब नहीं तो कभी लिखी होगी। आइए आपको बता, जब भी होम्योपैथी में होम्योपैथिस्ट ने पढ़ना शुरू कर दिया और सोने से पहले एक किताब पढ़े बगैर नहीं सोया तो वो काम नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर योगी वजाहत। नाज़रीन आज हमने बात की रोजे के बेनिफिट्स पर, यानी हमारी बॉडी में हमारी यानी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा हमने ऑटो इम्यून डिजीज पर भी बात की कि उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और जितनी तफसील से हम बात कर सकते हैं वो बात आज हो नहीं पाई, तो इंशाल्लाह हम इस पर दोबारा कभी डिस्कशन करेंगे। और इसके हवाले से भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो हमें आप कॉमेंट में भेजिएगा, दोबारा हमारी कोशिश होगी हम डिस्कस करें। इसके साथ ही इजाजत लेना चाहूंगी इस प्रोग्राम से, तो अपनी होस्ट का और अपनी इस टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।